बोर्ड परीक्षा में छात्रों के शत प्रतिशत परिणाम के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक में हवन पाठ का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। एक तरफ जहां स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक छात्रों के बेहतर परिणाम के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वहीं साथ ही उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए स्कूल परिसर में बने मंदिर में शिक्षकों द्वारा हवन पाठ का आयोजन भी किया गया और भगवान से छात्रों के लिए शत प्रतिशत परिणाम के लिए प्रार्थना भी की गई। छात्रों के लिए शिक्षकों द्वारा की गई इस पहल को अन्य स्कूलों द्वारा एक अच्छी पहल बताया गया है और वो सब भी छात्रों के भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने की बात कह रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के शत प्रतिशत परिणाम के लिए हम लोग एक हवन कर रहे हैं। हवन पाठ का आयोजन किया गया है और इस हवन पाठ में सिर्फ बच्चों की जो हमारे पूरे वर्ष भर की मेहनत है, शिक्षकों का कुशल निर्देशन है, उसके साथ साथ अगर प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है और ये रीवा की धरती जो है भगवान हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम रखती है, तो यहाँ पर हम भगवान हनुमान जी के लिए और मंदिर में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंपस में मंदिर बना हुआ है और वो अब से नहीं बना है, जब से कैंपस बना है तब से है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति वाली बात